मतलब मौत सामने से देखा हुआ है, फायरिंग चारों तरफ से, और हम एक कांच का ऑफिस था, हमारी दीवार भी सारे कांच का ही है, और अंदर हम बैठे हुए नीचे, और बाद में जब 10-11 बजे से वो लोग अंदर हमारे गेट तोड़ के अंदर आए, आने के बाद हमारे मोबाइल लैपटॉप जो भी कैश वगैरह था वो सारी चीज़ हमें से जब ले गए वो लोग, लेने के बाद 10-10:30 बजे के ऐसे चलते रहा हमारे साथ। उसके बाद 10-10:30 के बाद हर टाइम 5-10 मिनट में 10-15 जन आते थे बंद गन लेके, तो वो जब आते थे तो वो खाली एक ही बोलते थे कि जो पैसा है वो है, लैपटॉप है, मोबाइल, वो सब तो, और हमने ऑलरेडी जो था हमने दे चुके थे, और जब हमें उनको मना करते थे कि हमारे पास नहीं है, तुम्हारे जो भी था हमारे पास वो ले गए, तो वो मानते थे नहीं, वो सीधा पकड़ के ले आके फिर अब कहने पर लगा देते थे बंदूक, और लगा के नीचे बढ़ते थे कि हम गोली मार देंगे और बताओ नहीं तो कहाँ पे क्या रखे हो। सर मेरी जब तक के फीलिंग ये खुशनुमा नहीं होंगी जब तक कि मेरे पूरे इंडियन भारतीय भाई सही सलामत मेरे अपने देश ना आ जाए, जब वो आ जाएंगे जब हमको खुशी होगी। और हमारे एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की वहाँ पे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता था। जो हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए यहाँ से एयरक्राफ्ट भेजे, शिप भेजी नेवी, और हमारे आर्मी भाई वहाँ पे आए, उन्होंने हमको सुरक्षित निकाला, उनका भी हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। जी वो तो हम बहुत स्कैरी माहौल था और बहुत डर था, लेकिन अब यहाँ आकर हम लोग पीस फील कर रहे हैं, और यहीं आकर हमें फील हुआ है यानी अपने वतन आकर के पीस है मतलब यहाँ पर, और फिर भी हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें इस स्केरी सिचुएशन से यहाँ निकाले जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है और हम बहुत ग्रेट थैंक्सफुल है उन लोगों के, सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ग्रेट थैंक्सफुल है कि उन्होंने मिशन कावेरी मतलब उनका सक्सेसफुल हुआ है और हम लोग सेफली निकले हैं, हम बच्चों के साथ, हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन हम बच्चों के साथ सेफ आए हैं, तो हम इसके लिए बहुत थैंक्सफुल है और हम प्रे करते हैं कि जो लोग वहाँ पर है वो भी इसी तरह से निकले। वहाँ के क्राइसिस हम लोग ने बहुत 7 डेज बहुत सिचुएशन में गुजारे हैं, बहुत बहुत नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, पूरा ब्लैकआउट कर दिया था उन्होंने खार्तून में, सूडान में, और बच्चे कंटिन्यूसली रोते थे, और हम लोग के कॉरिडोर में तो 2 ब्लेड्स भी आई हैं, बच्चे बहुत रोते थे, हम लोग हॉल में बैठे थे, विंडो और क्या बोलते थे डोर्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे हम लोग, बहुत डर गया। हमारे गेट के बाहर ही आर्मियों की इतनी बड़ी बड़ी टैंक्स लगी हुई थी, इवन हम लोग दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद करते थे तो हम लोग को फायरिंग की इतनी आवाज़ आती थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एकदम उम्मीद छोड़ दी थी। थैंक्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि हम लोग ने नियर इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग आए हैं, उनसे कांटेक्ट किया और फिर हमको सेफली यहाँ तक पहुँचवाए। हाँ मैं अपना मोदी सरकार से जो ऑपरेशन कावेरी का तरफ से जो किए थे, हम अभी उड़ीसा आए, 6 आदमी आए, बाकी का आदमी बहुत है पीछे, और मैं थैंक्स जनाऊंगा कि मोदी जी को और उनका पूरा टीम को, 3 सेना भी पूरा लग गए थे हम लोग को निकालने के लिए, वायुसेना, स्थल सेना और जल सेना, ये तीनों सेना लग के हम लोग को उधार किए हैं। और अपना नवीन जी को भी मैं दिल से थैंक्स जनाता हूँ, अपना मोदी जी को भी दिल से थैंक्स जनाता हूँ। हालत ऐसा है कि बहुत बुरा हाल हुआ है उधर ही, मतलब ऐसा फाइटिंग किए हैं, पूरा गोली का बारिश और बम बारिश ऐसे पूरा कंटिन्यू 24 घंटा अभी भी हो रहा है, लेकिन डर लगता था कि थोड़ा सा मतलब रूम से बाहर नहीं निकल पाते थे, चैन से भी नहीं सोते थे हम लोग, ऐसा बम गिराते थे जैसे कि भूकंप हो गया, ऐसे बिल्डिंग हिल रहा था, बहुत तकलीफ था उसमें, और गोला बारूद का अंदर में हम लोग जिंदगी जी रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हम लोग का था, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम तो पहले हो गया था, उसका बाद खाने आने जाने का प्रॉब्लम तो पूरा हो गया था, रोड तो बंद था, खाना के लिए तो नहीं मिल रहा था, और हमारा कंपनी जो था ओमेगा स्टील प्लांट, और वो थोड़ा बहुत खाना रखा था, सब लोग को एडजस्ट करके दे रहा था, 2 टाइम खाना खा के हम लोग जी रहा था, ऐसे ही हम लोग का स्थिति उधर था। जिस समय ये सिचुएशन गोलाबारी का सिचुएशन हुआ, जब परिवार को पता चला तो वो कितने चिंतित थे आप लोग? मैं तो अभी तक तो घर पे मेरा मम्मी और डैडी को मैं कुछ भी बताया नहीं, क्यों उन लोग रोने लगेगा, इसलिए मैं बताया नहीं, मेरा बड़ा भाई है और मैं उनको बताया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं घर पर बात नहीं कर पाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, और उसमें नेट उन लोग का कुछ भी होता है तो पहले नेट काट देता है, इसलिए मैं पहले बता दिया था घर पे जे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नेट चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है और मैं सेफली रहूँगा, अरे मेरा मोबाइल चोरी चारी हो जाएगा, मेरा बड़ा भाई, मैं उसको बता दिया था सब कुछ, मैं बोला कुछ भी करके घर पे हैंडल कर लेना, कॉल नहीं जाएगा तो। और हम लोग तो 23 तारीख को निकलता अम्बेसी जो बस भेजा था, हम लोग कंपनी के अंदर में डीजल भरा था, भर के हम लोग निकल गया था पोर्ट सूडान, 12 घंटा सफ़र में बस में हम लोग गया है,
और उन लोग जाके पोर्ट सूडान में हम लोग को रिसीव किया है, और इंडियन ने भी हम लोग को एक पोर्ट सूडान में एक स्कूल है, वो स्कूल में हम लोग को रखा जाता है। उन लोग को हम लोग को खाना पीना भी थोड़ा बहुत दिया था और नहाने के लिए प्लेस दिया था, और उसका बाद हम लोग को नेवी आके रिसीव किया था। हम लोग नेवी में आके, नेवी जो जहाज गया था उसमें आके हम लोग जाधा में पहुंचा था, सऊदी अरब जाधा में। सर एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग जाधा में पहुँच गया, उन लोग का मिनिस्टर जैसा तरह बात किया हमारे साथ, नरेंद्र मोदी का मतलब अपना दिल पूरा खुश हो गया नरेंद्र मोदी से, वो इतना बात जो बोला है हमारा जो भारत सरकार के लिए और मोदी जी के लिए और हमारा भाईचारा के लिए जो हुआ था, मैं कभी सुना था जे ऐसा सिचुएशन है, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं। आज मैं रियल लाइफ में देख के आया हूँ मोदी का पावर, विदेश में हमारा विदेश में मोदी का पावर क्या है आज मैं खुद देख के आया हूँ। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, पूरा दिल पूरा खुशी था, पूरा खुशी खुशी से हम लोग निकल गया। उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट आके हम लोग को रिसीव किया और बहुत खुशी लगा, और स्टेट गवर्नमेंट जब हेल्प करने लगा और दिल भी बहुत खुशी लगा जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे लिए आके खड़ा हो गया, दिल पूरा तो पूरा गार्डन गार्डन हो गया, और क्या बोलूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।